जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खींचते हैं। नहीं, आपका काम टांग खींचना नहीं है, आप लोगों का कार्रवाई है। उसको कंधे से कंधा मिला के साथ दो, कंधे से कंधा मिला के साथ दो, ताकि हम दिखाएं कौन भारी शक्ति हमारे समाज के लिए ऐसा आप सब बोलता है। शर्म की बात है, इससे भी समान हमारे पूरा देश हमारा है, पूरा क्षेत्र हमारा है, पूरा यहाँ पर देखो दो दो सैनिक संगठन है हमारे, इस काशीपुर एरिया में हमारे दो दो सैनिक संगठन है। फिर भी हालत ये क्यों, मैं कहता हूँ आप कब जागोगे, कब हमारा साथ दोगे? तो आज यहाँ इस मंच से आप सब ने वादा करना है, यहाँ हम अपनी पहाड़ी संस्कृति के लिए एकता एक अखंडता अभूता बनाए रखेंगे और अच्छा मिलजुल करके इस समाज को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काशीपुर विधानसभा से अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारा पहाड़ी समाज यहाँ पहुँचा है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने आज एक संगठित और एक एकता का जो संदेश दिया है, इससे कहीं ना कहीं काशीपुर में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि हम सारे पहाड़ी और हमारा पर्वतीय समाज एक है। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तरीके से आप लोगों ने एक बार ताली बजा दिया जाए। जैसा कि अभी आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा है और सब लोग अपने काम धंधे और हमारी यहाँ पे माताएं बहनें अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से 3 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था, वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ पे क्यों संगठित हैं, क्यों आप एकत्रित हुए और अपने काम धंधे छोड़ के सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भाई साहब, अभी 3 दिन पहले सोशल मीडिया में फेसबुक के माध्यम से हमने और आपने देखा होगा, कईयों को ये नहीं पता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, सिर्फ ये समझ के आए हैं कि हमारे पहाड़ी समाज को और उत्तराखंड समाज को और उत्तराखंड को गाली दी गई है। ये किसी समाज को गाली दी गई है, हर एक उत्तराखंड को गाली दी गई है, समाज के और पहाड़ी समाज के पर्वतीय को एक एक को गाली दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, हम कोई शहरीवाद पहाड़ीवाद या अन्य समुदाय की बात ही नहीं करते हैं, हम सबसे पहले उत्तराखंड हैं, उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंडी थे, उत्तराखंडी रहेंगे। यहाँ सभी लोग भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। अभी 3 दिन पहले सोशल मीडिया में प्रकरण होता है, जो बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है संजय चौधरी, आपको भली भांति पता होगा बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष संजय चौधरी जो कुंडेश्वरी के निवासी हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं, हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई हमसे कोई हमारा उनसे कोई ऐसा कोई बैर नहीं है, ना कोई ऐसी कोई बात है। उन्होंने आपस में, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो वायरल होती है, उस ऑडियो में वो व्यक्ति आप पुलिस वाला है, वो कहीं ना कहीं ड्यूटी का निर्वाह कर रहा था, वो कहता है कि वो भी जो भी था वो हरि सिंह वो भी पर्वती होता, गलती से हो सकता था मुसलमान होता, तो मैं तो ये तो नहीं कहता कि अगर मुसलमान के ऊपर कोई अफसर बोल बोलता तो यहाँ पे मुझे पता लाखों की संख्या होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का धन्यवाद, आपने एकता का परिचय दिया। वो हरि सिंह वो जो सिपाही है कुंडेश्वरी में, वो ये कहता है कि अध्यक्ष जी आप बाल हुसैन के अध्यक्ष हैं, आपका एक कागज आया हुआ है, एक वारंट निकला हुआ है और आपके आप मेरे बड़े भाई अन्य भाई को आया हुआ है, क्या करना है? तो बातें तो लंबी होती हैं जो, लेकिन गाली गलौज भी होती है, क्योंकि मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी माताएं बहनें मेरी यहाँ पे मातृशक्ति है, मैं उसको नहीं जाता उन बातों पे। उस ऑडियो को आपने सुना होगा, मेरी युवा शक्ति ने भी सुना होगा, वो सब बोलता है कि तू पहाड़ी है, तू पर्वती है, तू उत्तराखंडी है, तो इन शब्दों को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, हम बर्दाश्त करेंगे इन शब्दों को? नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे, हम लोग प्लान करके रह रहे हैं, अपने घर परिवार छोड़ के हम यहाँ पे यहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं उसने पहाड़ी शब्द भी बोला, कहीं ना कहीं वो हम पहाड़ियों को हम पर्वतियों को कहीं ना कहीं अटैक करने का काम करता है। तो हमारा तो एक ही मांग है कि कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ी समाज को मान सम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो इसीलिए हम तो एक ही बात कहते हैं कि वो जो जिला बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है संजय चौधरी, हमारे पहाड़ी समाज से, हमारे पर्वतीय समाज से माफी मांगे,
और किसी समुदाय से हमारा कोई मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा उस व्यक्ति से मतलब है। हमारा संजय चौधरी से कोई मतलब नहीं, ना हमारे समाज से उसका कोई लेना देना है। लेकिन जो उसने हमारे पहाड़ी समाज को जो उसने गाली दी है, जो हमारे उत्तराखंड को जो उसने गाली दी है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि वो खेत प्रकट करे और अपने शब्दों को वापस ले और खुद में माफी मांगे और मीडिया के माध्यम से माफी मांगे। और बाकी यही है, और आगे के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमने एक उसके हम यहाँ से हमने मुख्यमंत्री जी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है, हमने उसमें पूरा घटना खोली है, क्योंकि कई सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से बात खैर मुख्यमंत्री से पहुंच गई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया आज एक बड़ा यंत्र है और कहीं ना कहीं हमने भी बात पहुंचाने का हमने काम करा है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बस वो हमारे समाज से माफी मांग ले और हमारे उत्तराखंड से माफी मांग ले और अपना खेत प्रकट कर दे और अपने शब्दों को वापस मांग ले, बस हमारा इतना करना है। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ। और दूसरा मैं और बात करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारा काशीपुर कौमी एकता का गुलदस्ता है, क्योंकि इसमें हमें सभी समुदाय का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम किसी विशेष समुदाय पे या अन्य समुदाय पे कोई टीपा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारा जो कहना है, जो हमारा पहाड़ी समाज का जो रोष है उस व्यक्ति से रोष है, वो व्यक्ति हमारे पहाड़ी समाज से है, हमारे उत्तराखंड से माफी मांग ले, बस हमारा इतना कहना है। अगर वो व्यक्ति माफी नहीं मांगता है तो इसको प्रदेश व्यापी हम आंदोलन के रूप में हम इसको चलाने का हम काम करेंगे। अब आपके लिए मैं दो चार लोग को बुलाऊंगा, आगे की मैं योजना बताएंगे हम लोग को कैसे करना। मैं आदरणीय मनोज आप लोग उत्तराखंड के बोलेंगे जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, उत्तराखंडी जिंदाबाद, उत्तराखंडी जिंदाबाद, प्रवर्ती समाज जिंदाबाद, प्रवर्ती समाज। मैं इस रैली का दो जो हमारी मुख्य मांग है, उसकी पहली मांग ये है हमारी उत्तराखंड राज्य सरकार से, उत्तराखंड राज्य सरकार से हमारी मांग है कि नंबर एक जो संजय चौधरी है पर अध्यक्ष है, जिसके द्वारा ये अमर्यादित टिप्पणी की गई है पर्वतीय समाज के ऊपर, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उस पर नस्ल भेदी धारा जो लगती है 56 उसके अनुसार जो सजा दी जाए। और साथ ही हमारी दूसरी मांग है कि उसको बाढ़ गांव जिला अध्यक्ष पद से उसका लाइसेंस को रद्द किया जाए। जी बाबा, अब हम लोग चलने की तैयारी करेंगे, रूट आपको बताएंगे हमारे जो थाम लो दिल को सब, ये जमीन चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा।